हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाली हैं 5 से 11 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सो पूरे वीक के यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करती हैं। सो पहला क्वेश्चन है, देखिए, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट विद अ बेस्ट थ्रो ऑफ 89.45 मीटर एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024। सो भी पेरिस ओलंपिक्स में मेंस के जेवलिन थ्रो इवेंट में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो याद रखिएगा, इन्होंने जीता है इस बार सिल्वर मेडल। इनका बेस्ट थ्रो कितना था, ये आपको डिस्टेंस याद रखनी है। 89.45 मीटर का जो है इनका बेस्ट थ्रो रहा इस बार के पेरिस ओलंपिक में। इस बार चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात करें। तो देखिए, इस बार जो गोल्ड मेडल जीता है ना, उनका नाम भी आपको याद रखना है, क्योंकि उन्होंने एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया। उनका नाम है अरशद नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, और इनकी थ्रो कितनी थी, 92.97 मीटर की। और इसी के साथ उन्होंने गोल्ड तो जीता ही, लेकिन एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया है। अगला क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 कामेल माधुरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ पीएम ऑफ विच कंट्री। सो कामेल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अभी हाल ही में बने हैं ट्यूनीशिया कंट्री के प्राइम मिनिस्टर। ट्यूनीशिया कंट्री देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस और करेंसी है यहाँ पर ट्यूनीशियन दिनार। प्रेजिडेंट का नाम है कैस सईद। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग टेस्ट साइकिल, शॉर्ट में से कहा है सफल। सफल टेस्ट साइकिल को किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है किसने, CBSE ने। अब इसको लॉन्च करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, देखिए, टू डेवलप अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसस ऑन लर्निंग गैप टू हेल्प प्लान टाइमली रेमेडियल एक्शन। देखिए इसमें क्या होगा ना, इसमें जो लर्निंग गैप्स बच्चों में आ जाते हैं, तो उनके लिए हम टाइमली जो है, जो भी रेमेडियल एक्शन है, जो भी हम सुधारात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, उनकी योजना बनाने में मदद मिल सके, इसी उद्देश्य से इस टेस्ट साइकिल को लॉन्च किया है CBSE ने। CBSE का पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। CBSE के एस्टेब्लिशमेंट हुई 1929 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट बी हेल्ड। भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में। सो जो कार रेसिंग है ना, ये 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगी। और कितना किलोमीटर लंबी है ये, 3.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। और इस नाइट रेस को सपोर्ट करेगी तमिलनाडु की गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन मेंस हॉकी टीम वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 2024 पेरिस ओलंपिक बाय डिफीटिंग विच टीम। इस बार के पेरिस ओलंपिक में अगेन भारत की जो मेंस की हॉकी टीम है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस टीम को हराकर उन्होंने जीता है? तो स्पेन की टीम को हराकर जो है भारत की टीम ने जीता इस बार ब्रॉन्ज मेडल। ये लगातार देखिए फ्रेंड्स दूसरी बार है, क्योंकि इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे 2020 में, उसमें भी देखिए भारत की मेंस की हॉकी टीम ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। एंड अगेन फिर से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध देव भट्टाचार्य, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। बुद्ध देव भट्टाचार्य जी की बात करें, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आंसर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे ये 2000 से लेके 2011 तक। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये किस दिन मनाया गया? तो 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नेशनल हैंडलूम डे। इस दिन को मनाने के पीछे का उद्देश्य है, जितने भी इंडियन आर्टिसंस हैं, जो कारीगर हैं भारतीय, और जो भी हेल्थ हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी है, हथकरघा बुनाई जो समुदाय है, उसके प्रयासों को मान्यता देना, उनको अप्रिशिएट करना, जो उनके एफर्ट्स रहे, उसी पर्पज से ये दिन मनाया जाता है। इस बार देखिए इसका कौन सा एडिशन मनाया गया, 10th एडिशन, और थीम क्या है, वीविंग सस्टेनेबल फ्यूचर।
अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू वुमेन। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, और ये योजना शुरू करी है झारखंड गवर्नमेंट ने। इस योजना के पीछे का मेन पर्पस है, स्टेट में देखिए जो वुमेन्स हैं उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाकर उनको एम्पावर करना। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाया जाएगा, उनकी मदद की जाएगी, देखिए उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। तो उसी पर्पस से झारखंड की सरकार ने इसे शुरू किया है योजना को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन चूजन एज द प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर द इंडो यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए जो प्रमुख अंतरिक्ष यात्री चुने गए उनका नाम क्या है? तो शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नैयर, इन दोनों को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा डे कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हिरोशिमा डे जो है ये मनाया गया है कब? 6 अगस्त को। 6 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि देखिए 6 अगस्त 1945 को यूएस ने एक एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के हिरोशिमा शहर पे, और जो एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया गया था उसका नाम भी याद रखेंगे, लिटिल बॉय। तो जो लोग देखिए, बहुत सारे लोगों की जान गई थी, थाउजेंड ऑफ पीपल, आप कह सकते हैं हज़ारों की संख्या में लोगों की जो है इस इंसिडेंट पर जान गई थी। तो उन लोगों को याद करने के लिए ये मनाया जाता है, और इस बार जापान ने इसकी कौन सी एनिवर्सरी देखिए मार्क करी है, 79th। नेक्स्ट, प्रोटेस्टर हैव अनाउंस्ड अ कंट्री वाइड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के किस पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की? तो इस आंदोलन की घोषणा की है बांग्लादेश ने। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो देखिए जो प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है तब शुरू हुआ था जब हाईकोर्ट ने जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है ना उसमें कोटा सिस्टम को पुनः लागू करने का निर्णय लिया। तब से जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट के चलते यहाँ पे बहुत एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है पूरा बदल गया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया, अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे दिया और देश को छोड़कर भी चली गई। तो उनकी जगह पर जो है जो इंतरिम जो गवर्नमेंट संभाल रही मोहम्मद यूनुस जो है उनको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी वॉज हेल्ड इन विस सिटी। आशियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की जो 5वीं बैठक है किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये फिफ्थ मीटिंग जो है इसका आयोजन किया जाएगा जकार्ता में। एशियान जो है देखिए इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, हेडक्वार्टर इसका है जकार्ता इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो कि है लोथल गुजरात में। तो गुजरात के लोथल में जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है उसके विकास में कौन सी कंट्री मदद करेगी? राइट आंसर इज वियतनाम। वियतनाम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, वियतनाम की कैपिटल हनोई, करेंसी है वियतनामीज टोंग, प्राइम मिनिस्टर है फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट है वो वान थुओंग। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ई साक्षीय न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन एप्लीकेशन इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में इन एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया? होम मिनिस्टर अमित शाह ने। बात करें यहाँ पे ई साक्ष्य के बारे में, तो इसमें देखिए क्या होगा, इसके माध्यम से जितने भी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या जो टेस्टिमोनीज होते हैं, मतलब जो भी ई साक्ष्य हैं जो भी उनको देखे सर्वर पर जो है एक तरीके से सेव करके रखा जाएगा। ई समन जो है इसके माध्यम से जितने भी एविडेंस हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक के तरीके से कोर्ट, फ्रॉम द कोर्ट टू द पुलिस, कोर्ट से पुलिस स्टेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे। एंड ऑल्सो द पर्सन टू होम द समन इज़ टू बी सेंड, और उस व्यक्ति को भी भेजे जाएंगे जिसे समन भेजा जाना है। तो काफ़ी जो है सेफली तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट एविडेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं ई समन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, आईटी मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब। तो आईटी मद्रास ने साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है?
IDBI बैंक के साथ की है पार्टनरशिप। इसका उद्देश्य है देखिए टू डेवलप एंड डिप्लॉय सिक्योरिटी सॉल्यूशंस इन क्रूशियल सेक्टर जैसे कि हेल्थ केयर, फिनटेक, एयरोस्पेस। तो ये जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनमें सुरक्षा समाधान विकसित करना और तैनात करना इसका उद्देश्य है पार्टनरशिप का। वेटरन कांदियन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे पास्ट अवे रिसेंटली। तो अभी हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हो गया। उन्हें देखिए कौन से ईयर में पद्म भूषण अवार्ड मिला था। तो जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं ना हमें उनकी ईयर्स इसलिए याद रखने होते हैं क्योंकि यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। शोभना रानाडे जो है उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2001 में। नेक्स्ट वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। शी इज रिलेटेड टू विच डांस, इनका संबंध जो है किस नृत्य से था। सही आंसर है भरतनाट्यम से। अच्छा इनके कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी हमें याद रखने हैं। जैसे इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था बहुत ही यंग एज में 1968 में, पद्म भूषण अवार्ड मिला 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला 2016 में। ऑल्सो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है कब, 1977 में। अगला क्वेश्चन है टाटा ग्रुप अनवील 27,000 करोड़ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन विच स्टेट। टाटा समूह ने किस राज्य में 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर सुविधा का अनावरण किया, किस स्टेट में किया, असम स्टेट में। नेक्स्ट देखिए रॉबर्ट केली ऑटबर्ग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सीईओ विच कंपनी, किस कंपनी के सीईओ बने हैं रॉबर्ट केली। तो ये बने हैं बोइंग कंपनी के नए सीईओ। नेक्स्ट देख लीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का एडिशनल प्रभार यानी अतिरिक्त जो प्रभार है किसे दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल का देखिए जो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला है ये मिला है दलजीत सिंह चौधरी को। दलजीत सिंह चौधरी जो है ये सीमा सशस्त्र बल में जो है डायरेक्टर जनरल है लेकिन अभी इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको ई बुक्स के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हो गए आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड, इनके एक बुक आपको बना दी है जिससे आपको ईजी हो जाएगा सभी को याद करना। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेंगी, तो इनको आप लोग हमारी वेबसाइट से बाय कर सकते हैं www.rabibookspdf.com और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी इंडियाज फ्लैग बियरर इन द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक का समापन जो समारोह है देखिए इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, मनु भाकर। मनु भाकर ने इस बार के पेरिस ओलंपिक में जीते हैं 2 मेडल, दोनों ही कौन से मेडल इन्होंने जीते हैं, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सो मनु भाकर जो है पहली एथलीट बन गई जिन्होंने एक ही ओलंपिक के दो मतलब एक ही ओलंपिक में 2 मेडल्स जीतने वाली पहली एथलीट बनी है मनु भाकर। तो इसलिए इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए मनु भाकर तो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर रहेंगी। जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी पेरिस ओलंपिक की तब उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर कौन रहे थे, पीवी सिंधु और शरद कमल। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक्स। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं, राइट आंसर है नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक जो है ना इन्होंने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता है और वो भी कौन सा मेडल जीता, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी के साथ ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट पर्सन भी कौन बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल जैवलिन डे 2024 वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया गया है, तो फ्रेंड्स 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है नेशनल जैवलिन डे। 7 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन नीरज चोपड़ा ने जैवलिन फेंककर जो है इंडिया का नाम रोशन किया था, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने ट्रैक और फील्ड में भारत के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट
द फर्स्ट बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिजनेस समिट इन विच सिटी। तो भारत के किस शहर में जो है ये व्यापार शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी करेगा, तो ये भारत के कौन से शहर में होने वाली है, नई दिल्ली में। ये 3 दिन का जो बिजनेस समिट हुआ था, देखिए इसे इनॉग्रेट किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। बिम्स्टेक का देखिए पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक की स्थापना हुई 6 जून 1997 में, हेडक्वार्टर्स का ढाका बांग्लादेश में है और मेंबर्स कितने हैं, 7 मेंबर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद SBI जनरल इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामीट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। तो किस राज्य सरकार ने आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने किए हैं, आंसर इज नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है देखिए कोहिमा, करेंसी है नेफ्यूरियो, गवर्नर है ला गनीशन। नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट है इटांगी नेशनल पार्क, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है नागालैंड का। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डैम भी है डोंगयांग डैम, और ये बना है डोंगयांग रिवर पे। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बाय ऑल क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स एट MSP। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सी बन गई है, हरियाणा। हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने जो है अनाउंसमेंट करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज। तो अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, जेनेट यांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द लीग एम्बेसडर ऑफ द SA20 लीग। तो साउथ अफ्रीका की जो T20 लीग है देखिए उसके लीग एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं, दिनेश कार्तिक। अगला क्वेश्चन देखो, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद फिजीज हाईएस्ट ऑनर द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। अभी हाल ही में फिजी के देखिए सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान दिया है अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। फिजी देश है, यहाँ की कैपिटल है सुबा, करेंसी है फिजियन डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं विलियम केटुनिवरे और प्राइम मिनिस्टर हैं सितवनी राबुका। अगला क्वेश्चन, विच स्पोर्ट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द कमेमोरेटिव स्टैम्प इशू बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द 33rd पेरिस ओलंपिक। तो अभी पेरिस ओलंपिक पर डाक विभाग के द्वारा जारी स्मारक टिकट में किन खेलों को दर्शाया गया है, तो अभी जो स्टैम्प को इशू किया गया उसमें 4 देखिए स्पोर्ट्स को दर्शाया गया है, जिसमें कौन कौन सी है, जैवलिन थ्रो, टेबल टेनिस, सेलिंग यानी नौकायन, और इसके अलावा फील्ड हॉकी। तो ये 4 स्पोर्ट्स को जो है इन स्टैम्प्स पे जो है दर्शाया गया है, और इन्हें रिलीज़ किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो यूथ अफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, इन्होंने इन स्टैम्प्स को रिलीज़ किया है। तो ये 4 स्पोर्ट्स के नाम याद रखिएगा जिनको स्टैम्प्स पे रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोंडो डुप्लांटिस जो कि भी हाल ही में देखिए इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस के पोल वॉल्ट में गोल्ड मेडल जीता, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो मोंडो डुप्लांटिस जो है फ्रेंड्स ये बिलोंग करती हैं स्वीडन कंट्री से। सो मोंडो डुप्लांटिस ने ना केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा है बल्कि उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी जो है सेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। सो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोहम्मद यूनुस। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भी चली गई हैं, तो अब जो है पूरी गवर्नमेंट की बात करें बांग्लादेश की जो इंतरिम गवर्नमेंट है उसका प्रमुख किसे बनाया गया, मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश जो है इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड ई सांख्यिकी पोर्टल? किस मंत्रालय ने ई सांख्यिकी पोर्टल को लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिन्होंने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। ये जो इनिशिएटिव है, देखिए इसका उद्देश्य है टू स्ट्रीमलाइन द शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। एक व्यापक प्रणाली के माध्यम से जो भी देखिए कॉम्प्रिहेंसिव या जो भी डाटा है उसको साझा करना, जिसे पहुंच और विश्लेषण में आसानी के लिए डिज़ाइन किया गया। तो इसे ही लॉन्च किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, जो कि कर्नाटका में लोकेटेड और इसे डिक्लेयर किया है पीकॉक सेंचुरी, इन चारों में से देखिए कौन सा अभयारण्य है जिसे मोर अभयारण्य घोषित किया गया, और ये कहाँ लोकेटेड है? कर्नाटक स्टेट में। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, आदि चुनगिरी जो है इसे डिक्लेयर किया गया है पीकॉक सेंचुरी। एक और पीकॉक सेंचुरी बनाई है जो कि है केरल में, और नाम क्या है इसका? चुलनुआर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड उपस्थिति पोर्टल फॉर हेल्थ डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़? स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए किस राज्य ने उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया है? राइट आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने लॉन्च की उपस्थिति पोर्टल। इससे देखिए जो भी डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, यानी जो हेल्थ चीज से हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनके डेली अटेंडेंस का जो है रिकॉर्ड मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ गोल्डन सर्किल एक्सक्लूसिव बैंकिंग प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक्सक्लूसिव गोल्डन सर्कल नाम से जो कार्यक्रम है, ये किसने शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है फ्रेंड्स DBS बैंक ने। DBS बैंक का पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। स्थापना हुई थी इसके 1968 में, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। चेयरमैन है पीटर सिया और CEO है पीयूष गुप्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन कंपनी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 2023 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर अ फर्स्ट टाइम? तो पहली बार देखिए 2024 की जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट आई है, उसमें किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इसमें पहली बार शामिल हुआ है HDFC बैंक। अच्छा, इंडिया में इस लिस्ट में टॉप पोजीशन पे कौन सी कंपनी रहती है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये टॉप रैंक है इंडिया में अगर कंपनीज की बात करें। और वर्ल्ड वाइड कौन सी कंपनी जो है जिसने टॉप पोजीशन हासिल करी? तो पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है अमेरिका की कंपनी वॉलमार्ट। इसरो जो है, इसरो का पूरा नाम है, और सॉरी इसरो की बात नहीं आई थी यहाँ पे, उन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं हम जिन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में अपनी जगह बनाई। तो RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नंबर वन पे इंडिया में है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इसकी रैंकिंग है 86th। ऐसे ही LIC की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग 95 है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है 116, और HDFC बैंक जिसे पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया, उसको रैंक मिली है 306 रैंक। अगला क्वेश्चन है, असम राइफल्स के 22वें डायरेक्टर जनरल के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? असम राइफल के अभी महानिदेशक कौन बने हैं? विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोआ लाइल्स एज पास्ट जमैकियन किशन थॉमसन टू विन हिज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन अ लाइफ टाइम बेस्ट 9.784 सेकेंड, ही इज फ्रॉम विच कंट्री? सो नोआ लाइल्स ने देखिए अभी ओलंपिक में जीता है कौन सा गोल्ड मेडल, और एक कौन सी कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करती हैं फ्रेंड्स USA कंट्री से। तो कंट्री भी याद रखिएगा, कंट्री भी पूछ सकता है उन्होंने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता गोल्ड, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविनाश सावले बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्वालिफाई फॉर द डैश स्टीपल चेज फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 5th इन हिज हीट। इन्होंने देखिए कितने मीटर के स्टीपल चेस के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, तो ये रेस थी 3000 मीटर स्टीपल चेस की रेस, और इसको क्वालिफाई करने वाले पहले इंडियन मैन कौन बने हैं? अविनाश साबले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी देखिए पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ना फ्रेंड्स, उसको तो आप लोग अच्छे से मार्क करके जाएगा, क्योंकि वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विनेश फोगाट वॉज डिसक्वालीफाई फ्रॉम द वुमेंस डैश रेसलिंग फाइनल इन द पेरिस ओलंपिक।
तो पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट जो है उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो महिलाओं की कितने किलोग्राम की कुश्ती फाइनल में ये डिस्क्वालीफाई हुई हैं? आंसर है 50 किलोग्राम। विनेश फोगाट का देखिए जो वेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जितना होना चाहिए वेट, उससे 100 ग्राम जो है उनका वेट ज़्यादा था और इसी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो नागासाकी डे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट किया गया है 9 अगस्त को। हिरोशिमा के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जो है जापान के नागासाकी शहर पर एक और जो है एटॉमिक बॉम गिराया था, और इस एटॉमिक बॉम का नाम क्या है, याद रखिएगा, फैट मैन। और जो 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था उसका नाम क्या रखा गया था, उसका नाम रखा था फ्रेंड्स लिटिल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया? भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ऑस्ट्रेलिया जो है फ्रेंड्स, यहाँ के कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द मेगा सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन G60? किस देश ने मेगा उपग्रह तारामंडल G60 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसे लॉन्च किया है किसने, चाइना देश ने। चाइना जो है फ्रेंड्स एशिया कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है यहाँ की बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अगले क्वेश्चन की बात करती हैं, पुरंदर हाईलैंडर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड हैज़ अचीव अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय एक्सपोर्टिंग इंडियाज फर्स्ट GI Tag फिग जूस टू विच कंट्री? किस देश को भारत का पहला GI Tag वाला अंजीर का रस निर्यात करके भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी? तो इसे एक्सपोर्ट किया गया है पोलैंड कंट्री में। पोलैंड जो देश है इसकी कैपिटल देखिए है वॉर्शो, और करेंसी है यहाँ पे जिलोटी। अगला क्वेश्चन, इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, और ये असेंबली देखिए 15 अक्टूबर से होगी 24 अक्टूबर तक। तो भारत के किस शहर में होगी ये असेंबली, आंसर है न्यू दिल्ली में। विच कंपनी हैज इमर्ज्ड एज इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव एम्प्लॉय ब्रांड? सो फ्रेंड्स, फाइंडिंग रेंसेट एम्प्लॉय ब्रांड रिसर्च के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में उभरी है? तो कंपनी कौन सी है, आंसर माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट तो नंबर वन भी है, उसके बाद TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो हैं वो सेकंड प्लेस पे हैं, और थर्ड नंबर पे कौन सी कंपनी है, देखिए थर्ड नंबर पे है अमेजोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8? तो 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? तो फ्रेंड्स, इसे लॉन्च करेगी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको लॉन्च करेगा। इसे लॉन्च किया जाएगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3C। इसरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और इसरो के करंट में चेयरमैन है S. Somnath। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में कौन सी एक्सरसाइज की गई थी? तो इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली लद्दाख में कंडक्ट की थी पर्वत प्रहार एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द ओथ एज अ 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी? पुदुचेरी के देखिए उपराज्यपाल, 25वें उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है K. Kailashanathan ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन द PMO? PMO मतलब है जो प्रधानमंत्री ऑफिस है ना, कार्यालय है, वहाँ पे अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर अमित सिंह नेगी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी ये फ्रेंड्स SBI के बन गए हैं नए चेयरमैन, और ये कब तक, कितने सालों तक रहेंगे SBI के चेयरमैन? तो इन्हें नियुक्त किया गया है 3 सालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? तो जो केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग है देखिए, उसमें सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज हरीश दुदानी को।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन टू रिसीव द विज्ञान रत्न अवार्ड इन द बायोलॉजिकल साइंसेज। जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है प्रोफेसर जी पद्मनाभन को। तो प्रोफेसर जी पद्मनाभन जो है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा जो कि है विज्ञान टीम अवार्ड, और ये किसे मिला है? ये अवार्ड मिला है इसरो के चंद्रयान 3 टीम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन अ कस्टम्स कोऑपरेशन अरेंजमेंट टू ईज ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इंडिया और कौन सी कंट्री की बात हो रही है? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हैज़ इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के खिलाफ देखिए जो साइबर क्राइम्स होते हैं उनसे निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया, मतलब इसका उद्घाटन जो है कौन से शहर में किया गया? न्यू दिल्ली में। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज क्रिएटेड ई शूज विद रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग। किस IIT ने वास्तविक समय स्थान ट्रैकिंग के साथ में ये ई शूज बनाए हैं? इनको डेवलप किया है IIT इंदौर ने। तो इससे देखिए जो ई शूज इन्होंने बनाए ना, इससे जो एथलीट्स हैं ना उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा होगा, और रियल टाइम जो ट्रैकिंग होगी जवान्स की, जैसे वो कहीं भी जाते हैं जवान किसी ऐसे जंगल वाली जगह पे जाते हैं इधर उधर, तो उनकी जो रियल टाइम ट्रैकिंग है उसको भी यहाँ पे ट्रैक करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैड जॉइन हैंड विद यूनिसेफ टू प्रमोट फादर्स रोल इन एनकरेजिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो किस राज्य सरकार ने स्तनपान को प्रोत्साहित करने में पिता की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ के साथ में हाथ मिलाया है? तो किस स्टेट ने किया है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए जो सही आंसर है वो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे बात आई है देखिए यूनिसेफ के बारे में। देखो यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी 11th of December 1946 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कैथरीन एम रसेल। अगला क्वेश्चन, हु विल रिलीज द न्यू रिपोर्ट बी रेडी इन प्लेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। हर एक साल देखिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आती है ना, उसके स्थान पे एक नई रिपोर्ट जारी की जाएगी, और नई रिपोर्ट को नाम दिया है बी रेडी। बी रेडी का मीन्स हो गया बिजनेस रेडी। किसने रिलीज किया है? वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी July 7, 1944 को, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन में है, और चेयरमैन है अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RBI हैज़ डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50%। तो ये कितनी बार ऐसा हुआ है जब RBI ने जो रेपो दर है उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करे? तो ऐसा लगातार 9वीं बार हुआ है जब कोई भी चेंजेस रेपो रेट में नहीं किए RBI ने। नेक्स्ट देख लीजिए, इन द 2024 पेरिस ओलंपिक क्वार्टर फाइनल्स लक्ष्य सेन ऑफ इंडिया डिफीटेड चाउ तियन चेन ऑफ विच कंट्री। सो पेरिस ओलंपिक के देखिए क्वार्टर फाइनल में भारत के लक्ष्य सेन ने किस देश के चाउ तियन चेन को हराया? तो ये किस कंट्री से हैं? चाइनीज ताइपे से। सो यहाँ पे लक्ष्य सेन ने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि लक्ष्य सेन पहले इंडियन बने जिन्होंने जो कि कहाँ तक पहुँचे? मेन सिंगल के सेमीफाइनल तक बैडमिंटन इवेंट में। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। भारत जो कृषि निर्यात करता है ना, उसके स्थान पर भारत का देखिए स्थान क्या है? तो वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान है 8वें नंबर पे। नंबर 1 पे है यूरोपियन यूनियन, दूसरे पे अमेरिका, और तीसरे पे है ब्राज़ील। बात यहाँ पे करें WTO के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1st of January 1995 को, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, और डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजा इवेला। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ इन द ईयर 2024 टू रिमूव मिलियंस ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम द कंट्रीज रोड। देश की सड़कों से लाखों आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक नया कानून पेश किया है किसने?
आंसर इज तुर्की कंट्री नेम। तुर्की जो है कैपिटल है यहाँ की, अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एज ग्रुप इज टारगेटेड बाय दी बेगलेस डेज इनिशिएटिव। जो देखिए बेगलेस डेज इनिशिएटिव शुरू किया गया था ना, उसमें जो टारगेट एज ग्रुप रखा गया था जिसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था, वो एज ग्रुप कितना है जिनकी स्टूडेंट्स की क्लास जो है 6 to 8 है, तो वो सभी जो हैं बेगलेस डेज इनिशिएटिव के तहत उसको फॉलो कर सकती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। RBI हैज़ इंक्रीज्ड द UPI पेमेंट लिमिट फ्रॉम 1 lakh टू हाउ मच। तो अभी तक देखिए UPI पे करने की जो लिमिट थी ना वो 1 lakh रुपये थी, कि अब इसके ज़्यादा पेमेंट नहीं कर पाते थे। अब RBI ने जो है जो ये पेमेंट लिमिट है उसको 1 lakh से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 lakh रुपये। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी विलेजेस वर रिकग्नाइज्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज इन द ईयर 2023। कितने गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँव के रूप में मान्यता दी गई, तो टोटल कितने विलेजेस हैं, 35। अब देखिए ये जो कंपटीशन हुआ था ना बेस्ट टूरिस्ट विलेज कंपटीशन, इसे लॉन्च किसने किया था ये भी याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। टोटल भारत के कितने विलेजेस को रिकग्नाइज किया गया, 35। अगला क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। विदेश के स्वदेशी लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 9th of August को। यहाँ पे देखिए इस डे की थीम की बात करें 2024 की, इसकी इंपॉर्टेंट थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ सीनियर वाइस प्रेजिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ क्विक कॉमर्स वर्टिकल स्विगी इंस्टामार्ट। तो क्विक कॉमर्स जो कंपनी है देखिए स्विगी इंस्टामार्ट, इसके अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर साईराम कृष्णमूर्ति को। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। किसने लिखी है ये बुक, तो इसकी ऑथर है सुदीप्त सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्राहम थॉर्पे पास्ट अवे रिसेंटली, ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो यहाँ पे बात करें ग्राहम थॉर्पे की, जिनका भी निधन हो गया और एक किस खेल से संबंधित थे, तो इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से। अच्छा यहाँ से एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ग्राहम थॉर्पे थे ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये बिलोंग करते थे यूनाइटेड किंगडम से, यानी इट मीन्स आप यहाँ से याद रखिएगा इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे और इंग्लैंड के बैटर थे और कोच थे ग्राहम थॉर्पे, जिनका निधन हो गया। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। वैसे स्पोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये स्पोर्ट्स से कौन से संबंधित थे, क्रिकेट से। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वीकली करंट अफेयर्स के वो कंप्लीट हो गए। मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। अब टेस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक। ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, देखिए विनेश फोगाट जिन्हें अभी वुमेन्स की हाउ मेनी यानी कितने केजी रेसलिंग के फाइनल में डिसक्वालीफाई कर दिया गया। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए फ्रेंड्स। और इसी के साथ हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन था कंप्लीट हो गया। फ्रेंड्स देखिए जितने भी हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं, मैं अगेन बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें सभी ये क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट पर आपको सभी ई बुक्स मिल जाएंगी करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड और सब्जेक्ट वाइज भी हैं, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन ई बुक्स में मिल जाएंगे आप लोगों को। इनको आप बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट का नाम है www.rabibookspdf.com। तो यहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट ई बुक्स को डाउनलोड कर पाएंगे, बाय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सो कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज का जो
फ्रेंड्स हमारा टॉपिक था वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लोगों ने ज़रूर पढ़े होंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे और भी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।